आया हूँ दोस्तों दरअसल डीजेस ऑटोमोटिव पे। यहाँ पर आने का मेरा कुछ स्पेसिफिक रीजन भी है। एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि यहाँ पर जितना भी सामान है आपको आपके घर तक, भारत का कोई भी कोना हो, घर तक डिलीवर होकर मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप आकर यहाँ से ले भी सकते हो। मेरे साथ में है धीरज भाई, इनका स्टोर है दरअसल डीजेस ऑटोमोटिव का, जो कि मैंने भी पहले एक्सप्लोर करा, देखा, काफी सारे प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को पूरा एक्सप्लोर करूं, जाकर आप लोगों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, ताकि आपको इजी रहे इनके स्टोर से कोई भी सामान खरीदने का। जब भी बात आती है कुछ अच्छे प्रोडक्ट या अच्छे ब्रांड की, तो दोस्तों आप भी जानते हो कि मैं कितना सोच समझ कर कहीं जाता। इसके बाद एक बार भाई से बात करते हैं। भाई बताएंगे अपने स्टोर के बारे में, कब से है, कब से वो चला रहे हैं, सब कुछ। Hi guys, this is DJ from DJ's Automotive. I hope आप सब ठीक होंगे। हम 15 साल से इस बिजनेस के अंदर है। लास्ट 2 इयर्स से हमने ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट करा है और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने लगे हैं। हम डील करते हैं HIDs, LEDs, स्पोर्ट्स बम्पर, जो आफ्टर मार्केट गाड़ियों के बम्पर्स आते हैं, जैसे सिविक, स्विफ्ट और क्रूज, काफी कार्स के आते हैं। ग्रिल्स होती है हमारे पास, डिफ्यूजर्स होते हैं, स्प्लिटर किट्स होती हैं, हेडलैम्प प्रोजेक्टर्स होते हैं, काफी चीजें होती हैं जो कि मॉडिफिकेशन में काम आती है, स्पॉयलर्स होते हैं, मतलब बहुत सारी है। अगर इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट आपको चाहिए हो या इंटरेस्टेड लगता हो या देखना हो, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज है डीजेस ऑटोमोटिव के नाम से इंस्टाग्राम पे, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे सभी प्रोडक्ट्स। आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस करा था कि मैं लगाने वाला हूँ अपनी गाड़ी के अंदर कुछ अलग, और वो लगाने से पहले मैं 1x1 पहले स्टॉक अपग्रेड करूंगा और उसके बाद अच्छे ढंग से अच्छी चीजें अपग्रेड करूंगा। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी के कुछ आंखें कह सकते हो लगाने वाला हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्या रीजन है, उसका भी सब कुछ रीजन आपको दूंगा इंस्टॉलेशन के बाद। काफी बार क्या रहता है कि आप हो सकता है भारत के किसी कोने में हो, जो शॉप है मैंने वो आपको रिप्रेजेंट करनी थी, ताकि आप एटलीस्ट एक ट्रस्ट बना सको या फिर आप इस चीज को समझ सको कि जो जगह मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं वहाँ खुद गया हूँ, खुद कुछ काम करवाया है और आपको उस जगह के बारे में प्रॉपर मालूम रहे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अपनी गाड़ी के अंदर फॉग लैंप लगवाए थे, मैं यहाँ पर उन्हें अपग्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपग्रेड कर ये नहीं चाहता कि मैं कुछ बहुत ही ज्यादा व्हाइट लगा दूं या फिर कुछ ऐसा लगा दूं जो आगे आने वाली सर्दी के अंदर मुझे परेशान करे। तो सर्दी आ चुकी है वैसे, बाय द वे, इसीलिए मैंने पहन रखी जैकेट भी। आप भी अपने आप को बचा के रखना, और ये चीज भी है COVID-19 की वजह से आपको मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ऑर्डर आपको करना आप ऑनलाइन कर सकते हो, इसीलिए आप इनके स्टोर से जो चाहो वो ऑर्डर करो। आपको कोई भी इंक्वायरी हो, आप व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप उनसे जाकर पता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जाकर पूरे स्टोर को चेकआउट कर सकते हैं और लगवा सकते हैं जो आपको चाहिए वो। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैंने कहा एक बार धीरज भाई से मिलते हैं, बात करते हैं, सजेशन लेते हैं क्या चीज बढ़िया रहेगी हमारी बिल्लों के लिए। यहाँ मैं धीरज भाई से पूछना चाहूंगा क्या अच्छा है जो लोगों की आंखें ना फोड़े, परेशान ना करे, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने खुद टेस्ट भी लेना चाहता था या देखना चाहता था क्या चीज कैसी है एज पर द क्वालिटी। जो बेस्ट सेटअप है वो है आपका IPH प्रोजेक्टर विद क्रिस्टल है HID। बाकी प्रोजेक्टर्स हमारे पास और भी ब्रांड के होते हैं, बट IPH बेस्ट है। इंस्टॉलेशन इसकी इजी होती है क्योंकि इसके अंदर एडजस्टेबल फिटिंग्स होती हैं। आपकी कार में हम लगाने वाले हैं ये IPH M612, ये 3.0 इंचेस का होता है, ये फिटिंग्स है एडजस्टेबल जो होती है इसकी। ये प्रोजेक्टर है, ये आप देख सकते हो, इसके अंदर हाई एंड लो बीम होती है, तो उसके लिए दो वायर होते हैं। हाई और लो बीम को हमें कैसे वर्क कराना होता है कि ब्लैक वायर को तो हमें अर्थिंग पे देना होता है और रेड वायर हेडलैम्प की हाई बीम वायर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इसके अंदर जो शटर है वो शटर वर्क करने लगता है, तो अप एंड डाउन हाई लो वर्क करता है आपकी हेडलाइट के साथ। तो ये बहुत कूल फीचर है, अगर आप हाईवे ड्राइव करते हो तो किसी को भी पहले डिपर दे दोगे तो उसे पता लग जाएगा कि कुछ आ रहा है सामने से। कई बार सर्दियों में नहीं पता लगता, सर्दियों का मेन फोकस है। तो हमारे पास अभी कलर टेम्परेचर भी मैं बता देता हूँ हम कौन सा लेने वाले हैं। सब लोग 6000-8000 ये लगवाते हैं, ये 4300 केल्विन है। वार्म व्हाइट से भी थोड़ा येलो शेड होती है, पूरी येलो नहीं होती, पूरी व्हाइट नहीं होती, ये एकदम बीच का कलर होता है। आप इंस्टॉल करोगे आपकी कार में, प्रोजेक्टर के अंदर लगाओगे, तो इससे बहुत अच्छा थ्रो निकलेगा। थ्रो ऐसा निकलेगा कि आप देख पाओगे, जब गाड़ी में विजिबिलिटी निकलेगी देख के आपको ज्यादा अच्छा पता लगेगा। दूसरी बात थी कि नॉर्मल HID और कैनवस HID में क्या फर्क होता है, तो मैं बता देता हूँ। मेन फर्क ब्लास्टर का ही होता है, HID बल्ब तो सेम ही लगता है, बस बैलेंस का होता है। ये कैनवस ब्लास्टर है, ये आप देख सकते हो, इसके अंदर डबल रिल है। ये किस में यूज होता है, ये ह्यूंडई की न्यू कार्स जो आ रही हैं, फोर्ड की या जर्मन कार्स होती हैं, BMW वगैरह, उसके अंदर कैनवस ब्लास्टर लगता है। किसी भी ब्लास्टर में देखोगे इसके अंदर एक सिंगल रिल है और इसके अंदर डबल रिल है। इस रिले को हम क्या कहते हैं, इसको एरर कैंसलर कहते हैं। कोई भी कार में हम HID लगाते हैं, अगर वो एरर शो करती है, मीटर पे लाइट आ जाती है एरर की, रेडियो रीसेट होने लगता है या एक दो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम
कैनवस लगाते हैं उस एरर को कैंसिल करने के लिए, ये लगा दिया तो वो एरर चला जाएगा। मारुति की कार्ड्स में कोई जरूरत नहीं है, टोयोटा में भी जरूरत नहीं है, ज्यादातर कार्ड्स में नॉर्मल एचआईडी आपकी फिट हो जाती है, बट अगर फोर्ड की, वॉक्सवैगन की या कोई दूसरी कार है तो उसके अंदर कैनवस यूज करना पड़ता है। तो आपका बेसिकली कहने का मतलब है जितनी भी नई गाड़ी आ रही है जिसमें अच्छी टेक्नोलॉजी लगी हुई है कैनवस वाली एचआईडी लगानी पड़ती है, जिससे कोई भी एरर आए वो इश्यू अपने आप कैंसिल कर ले, तो इसलिए जरूरी होता है। भाई को मैंने सजेस्ट करा है कि ये एचआईडी है, क्रिस्टल आएगी और ये प्रोजेक्टर है, तो भाई देख लेंगे कौन सा लगवाना है। कैनवस की तो उनको जरूरत है नहीं, तो कैनवस हम नहीं लगाएंगे, नॉर्मल एचआईडी लगेगी, उनको सजेस्ट कर रहे हैं लगाने के लिए, तो वो लगा सकते हैं। दोस्तों स्टोर पे वैरायटी तो वेरियस है, आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी ही मिलेगी, यहाँ पर आकर खुद देखना, क्वालिटी खुद मेजर करना वो एक अलग चीज होती है। स्टिल मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जब भी लेना चाहते हो, फोटोज वगैरह तो भाई सब शेयर कर देते होगे लोगों को, जो भी कोई इंक्वायरी करता होगा तो आपको शेयर कर ही देंगे। साथ ही में एक अच्छी बात यह है कि इसकी 1 ईयर की वारंटी मिलती है। हाउएवर मैं तो यहाँ हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं रिप्लेस करा लूंगा। भाई अगर बाय कोरियर किसी के पास आता है तो आप क्या फैसिलिटी देते हो लोगों को? वैसे तो हम सब कुछ टेस्ट करके ही भेजते हैं यहाँ से, पैकेजिंग एकदम फ्रजाइल होती है, कुछ भी टूटने उठने का नहीं होता उसके अंदर। अगर इन केस अगर कुछ खराब हो भी जाता है तो आप हमें बाय कोरियर वो भेज सकते हो सामान, और हम यहाँ से चेक करके विद इन 2 डेज आपको वापस भेज देंगे आपकी रिप्लेसमेंट। आपके पास हमारा एड्रेस हमेशा अवेलेबल रहेगा, व्हाट्सएप प्रोफाइल खोलोगे नीचे ही एड्रेस है, उस एड्रेस पे 2 मेरा एड्रेस डाल के और जहाँ पे फ्रोम है फ्रोम में आपका एड्रेस डाल के वो प्रोडक्ट आप मुझे भेज देंगे तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, बस एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। वो तो बात भाई सारी ठीक है, लेकिन पैसे कितने लोगे इनके ये तो बता दो। ये आपको पड़ेगा पूरा सेटअप 2 प्रोजेक्टर्स विद 1 HID किट आपको पड़ेगा 7500 रुपीज का, 7500। एक बार देख लो क्या लगवा रहे हैं, 7500 रुपए का। A few moments later. हम जो प्रोजेक्टर लेके आए हैं उसकी करानी है इंस्टॉलेशन। गाड़ी वैसे तो आपको काफी ज्यादा काली और गंदी दिख रही होगी, इधर की तरफ तो देख सकते हैं आप। अभी से लगाने के लिए हमने खोलना पड़ेगा हमारा बम्पर फ्रंट से, नीचे हमने जैसे कि पहले से ही लगा रखे हैं अपने फॉग लैंप्स, इनको हटाना है तो अब इन्हें हटा देंगे, नो लॉन्गर इन यूज इन्हें, और इस वाले को दोनों को खोल देंगे। लगाते हैं प्रोजेक्टर, एक बार फिटिंग दिखाता हूं आपको। खोल तो दिया है दरअसल भाई ने, भाई को करने देते हैं, आप सिनेमेटिक एंजॉय करो। चीज़ अच्छी है तो मैं चाहूँगा आप जब भी इसे परचेज करो तो किसी भी प्रोफेशनल से आप लगवा सकते हो, इवन अगर आप स्टोर से खरीदते हो तो वहाँ पे भी आप लगवा सकते हो किसी से बड़े इजीली, नहीं हो तो आप इसे खुद भी फिट कर सकते हो अगर आपको एनफ नॉलेज है तो। ये है दोस्तों जैसे कि एक LXi वेरिएंट की गाड़ी, तो इसके अंदर नहीं आते फॉग लैंप, तो फॉग लैंप की जो वायरिंग थी पहले हो रखी थी इसके पायलट लैंपों से। लगवाने को तो दोस्तों मैं लगवा सकता था 8000 केल्विन, 7000 केल्विन, सबके रेट में डिफरेंस आता है। ये है 4300 केल्विन, ये जो हमारी पीली लाइट है इनसे व्हाइट रहेगी, ब्राइट रहेगी, धुंध के टाइम पे 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काम अच्छा लगता है, आपकी गाड़ी अच्छी लगे रोड पे चलते हुए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी चलना चाहिए, तो इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको। एक बार चलाकर भी दिखा दूंगा ये कितने ब्राइट है कैसे हैं। आपने मेरी गाड़ी पहले देखी हो, जब ये 4300 केल्विन चल जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी कैसी लग रही है। भाई कर रहे हैं यहाँ पर फिटिंग, भाई को परेशान नहीं करते, थोड़ा सा यहाँ से कटिंग होगी। ये यहाँ पे भाई ब्लास्टर लगा रहे हैं, प्रॉपर वायरिंग मैंने अलग करवाई है, पूरी सेपरेट वायरिंग। ये रहा मेरा स्विच जो कि अब इसमें लगने वाला है, जिससे मेरा फॉग लैंप कंट्रोल होगा, और मेरे जो हाई बीम और लो बीम है वो कंट्रोल होंगे मेरे हेडलैम्प के हाई बीम और लो बीम से। साथ ही मैं जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा मैं आपको इसका प्रॉपर एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि इनको लगवाने के बाद मुझे कोई दुविधा हुई असुविधा हुई। ये अगर कभी भी गर्म होती तो निकल जाती, तो यहाँ प्रॉपर हीट श्रिंक लगाएंगे इसे लगाने के लिए, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। ये एक रिले से आ रही है और एक आ रही है हमारी नीचे प्रोजेक्टर से, पूरी प्रॉपर फिटिंग हो रखी है, इधर आप देख सकते हो, दिख तो रहा नहीं होगा वैसे, लेकिन मेरे को आपको दिखाने का काम बस ये था, जब भी करा रहे हो तो ये काम जरूर करा लेना आप। दरअसल हमारे ब्लास्टर को बांधने का काम चल रहा है इधर पे ही, और ये टायर बेल्ट से प्रॉपर बांधा जा रहा है, तो ऐसा वैसा नहीं है कि मैंने प्रोफेशनल फिटिंग नहीं कराई है या मेरी गाड़ी के अंदर आग लगने का कोई खतरा हो। मैंने सारी चीजें सेपरेट करवाई है, अलग करवाई है, सारे कनेक्शन अलग करवाए हैं, पूरी वायरिंग किट लगवाई है। दरअसल इस वायरिंग किट को आप हेडलाइटों के अंदर भी लगा सकते हैं रोशनी पाने के लिए, वहीं मैंने इनको लगाया है अपने नीचे प्रोजेक्टरों के साथ। इससे फायदा ये रहता है अननेसेसरी डिस्चार्ज नहीं होती, और एक कट ऑफ होता है जिसके अंदर आपको मिलता है 1, 2 एक फ्यूज है, ये हमारी रिले है, पूरी प्रॉपर कपलर वपलर सब कुछ। ये जैसे कि LXi वेरिएंट है इसके अंदर प्रोजेक्टर नहीं आते, तो ये प्रोजेक्टर भी लगे हैं, फॉग लैंप भी नहीं आते, तो फॉग लैंप का प्लग या स्विच भी नहीं है, तो इसलिए जो इसकी हाई और लो है, लो तो ये एज ऑलवेज चलेंगे ही जब इन्हें ऑन करूंगा, इसके हाई के लिए ऊपर वाले जो हमारे हेडलाइट है उनके हाई से कनेक्ट करवा दूंगा इनको। प्रोजेक्टर की अब जरा कट ऑफ चेक करनी है,
ये जल गए हमारे 200। दरअसल दोनों प्रोजेक्टर बीम एडजस्ट हो रही है यहाँ और यहाँ, आप देख सकते हो ये उधर की बीम है, ये इधर की बीम है। एक बीम सेट हो चुकी है, ये वाली भी हो रही है, अभी थोड़ी ज्यादा ऊपर चली गई है। ये हो चुकी है हमारी बीम सेट दोनों। स्विच मैंने दरअसल दोस्तों नीचे की तरफ लगाया, ये रहा, इसको मैंने बंद कर दिया। इसके अंदर लाइट आती है दरअसल, जब ये ऑन होता तो ग्रीन हो जाता है। बाय द वे सामने देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। पीछे गाने बज रहे हैं, ओहो तारे गिन गिन याद से तेरी गाना बज रहा है पीछे की तरफ। इंजॉय करना, बल्ब जला के रोशन किया। यहाँ की तरफ देख सकते हो आप, रोशनी बिल्कुल नहीं थी। एक अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं, दरअसल जितने भी हैं सबने लगवाए होंगे 6,000, 8,000, 5,000 या और दूसरे 4300 केल्विन जो है व्हाइट नहीं है, 3000 केल्विन बिल्कुल पीला हो जाता है, या कह सकते हो कलर टेम्परेचर आप ऐसे नाप सकते हो। प्यारा बच्चा, ये मेरी गाड़ी का ना ध्यान रखते हैं दरअसल, इतने प्यारे ना, इतने प्यारे। ठीक है बेटा, शाबाश, मैं रिकॉर्डिंग कर लूं, फिर आ जाना। जाओ जाओ जाओ, जाओ। हेलो कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो सबको। आ जाओ, ठीक लग रहा है प्रोजेक्टर देखना जरा, ठीक लग रहे हैं? तुम दोनों ही बता दो, जाते ही नहीं भाई, क्या करें। पहली चीज ये है फॉग लैंप की लाइट बहुत ठीक है, उससे होता क्या है उतना नहीं नजर आता मुझे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है चला मैं सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको फॉग लैंप या फिर लाइटों के ऊपर ही 500-550 किलोमीटर का टूर मैं करके आ सकता हूँ, वो भी रात में ड्राइव करके आना जाना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाय द वे मुझे अच्छी ब्राइट लाइट चाहिए थी, चाहता था मैं कुछ अच्छा अपग्रेड करना। इस टाइम आ चुकी है ठंड, या फिर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब कभी भी आप इसे देख रहे होगे वीडियो, तब ठंड का टाइम या धुंध का टाइम चालू हो गया था। ये लाइट जो है पीली लाइट से थोड़ी सी ऊपर व्हाइट है, इतनी भी व्हाइट नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि मुझे इसमें विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बिल्कुल जो व्हाइट हो जाती है धुंध के अंदर होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हो हल्का हल्का ग्लेयर जो है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद प्रॉब्लम होती है विजिबिलिटी में, देखने में, गाड़ी चलाने में। इसके ऊपर मैं गाड़ी को अपने कहीं भी ले जा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ। ये दरअसल है इसकी लो बीम, मैं एक बार आपको इसकी हाई बीम भी दिखा देता हूँ। सामने आप कट ऑफ देख सकते हो, यहाँ की तरफ आप देख सकते हो, तो इसकी जो लाइट या ग्लेयर है मुझे बहुत सही लगी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इधर भी खड़ा हूँ, पीछे भी जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी आंखें नहीं फोड़ रही है, सबसे बड़ी बात है। इवन यू कैन जस्टिस ऑन द कैमरा, जब आप प्रोजेक्टर लगा लेते हो तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो लो बीम के ऊपर ही, जहां ये इसकी रेंज सेट है वहां पर ये नहीं परेशान करती बिल्कुल भी लोगों की आंख में। तो ये रहा मेरा यहां का रिस्पांस, इसका दिन में मिलता हूं आपको। ये हुई हमारी मेन हेडलाइट लो पर ऑन, अब मैं प्रोजेक्टर करूंगा ऑफ, तो आप देख लेना कितना डिफरेंस है नॉर्मल हेडलाइट में और इस प्रोजेक्टर में। तो ये है हमारी हेडलाइट नॉर्मल, जो 4300 केल्विन की हमारी लाइट है वो प्रॉपर पीली नहीं है, वो है हमारी काफी हद तक पीली से थोड़ा सा ऊपर कलर। थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है लाइफ में, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ व्हाइट लोगों को दिखाने के लिए आप उसे व्हाइट व्हाइट करवा लो। इन प्रोजेक्टरों के ऊपर कोई ना चलान कर सकता है, ना ही कोई मुझे दुखी कर सकता है, ना ही कोई मुझे रोक कर बोल सकता है कि आपका इसका चलान कटेगा, फाइन कटेगा या एक्स वाई जी, दिस इज प्रॉपर लीगल। अब ये क्योंकि लो बीम पर जल रहे हैं प्रोजेक्टर है, तो ना किसी को परेशान करेंगे और ना मैं इन्हें लगवाने के बाद खुद परेशान होऊंगा। बाय द वे आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, मेरी चॉइस, मेरी पसंद। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चाहिए हो कुछ भी डीजेस ऑटोमोटिव कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर आया ही होगा, इंस्टाग्राम पर भी टच कर सकते हैं उनसे। बस अब मिलते हैं दिन में आपसे सीधा। इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। कुछ भी चाहिए हो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, परचेज कर सकते हैं डीजेस ऑटोमोटिव से, जैसे मैंने भी खरीदा था। 100% मैं रिकमेंड करूंगा, शॉप प्रॉपर ओरिजिनल है। इवन अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा आपको सपोर्ट करते हैं। करते इस वीडियो को यहीं एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बोल दे सबको, बाय। आप भाई साहब कितने बदमाश हो यार, बहुत बदमाश हो। कर लेंदे बेटा, मेरे को रिकॉर्ड कर लेंदे, चला।